हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार सर, आज नंबर लग गया। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? वेरी हैप्पी। आई एम हैप्पी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से? हाँ जी, और पालम से बोल रही हूँ। अच्छा कितने दिन से ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर नेट इश्यू ऐसा रहता है हाँ कि हो ही नहीं पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, मेरी कम्युनिकेशन है देखो। अच्छा, और सर मुझे याद भी नहीं, पता नहीं कब से है, कितने सालों से है। अच्छा, मेरा बेटा 20 साल का हो गया। अच्छा, तो 20 साल से ऊपर हो गया। तब से चली आ रही है। ओहो। और मैं दवाई लगाती थी, डेली रात को दवाई लगानी फेस पे। अच्छा, जब तक लगाती रही तब तक ये रेड चीक रहते थे। सारे बोलते थे क्या लगाती हो, इतना ग्लो करता है फेस। अच्छा, और ये नहीं पता था स्किन अंदर से हमारी जल रही है। हाँ हाँ जी। तो सर 1-1.5 साल से मतलब मुझे अपने आप ही रियलाइज हुआ कि ये हम लोग जो बाहर की दवाई लेते हैं ना केमिस्ट शॉप से, मैं सभी से कहना चाहूंगी जितनी भी लेडी हैं, हाँ क्योंकि जी। हम लोग सारे यही सोचते हैं हम खूबसूरत लगे चाहे किसी तरीके से लगे, वो हमें दिक्कत बाद में चाहे उठानी पड़े। तो सर फिर मैंने 1.5 साल से वो लगाने बंद कर दी। अच्छा ये सारा ब्लैक ब्लैक नजर आने लग गया। फिर लोग मुझसे अच्छा पूछने भी लगे कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर स्किन खराब हो रही है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो फेस मास्क लगा लिया, तो उससे अच्छा पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन अच्छा मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। दवाई तो नहीं ली सर, एक्चुअल में मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम ना ये बेकार के चक्रों में मत रहो, इंटरनली जो चीज होती है ना ठीक वो ज्यादा बेस्ट है। तो एक दिन आपका मैंने वो देखा, वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा। एक दिल से लगा कि फीलिंग आई कि शायद ये चीज है जो नेचुरल है, क्योंकि लोग ठगते हैं, डॉक्टर जितने भी होते हैं हाँ जी, ठगते हैं सारे ठगते हैं जी। बेचारे। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैंने आपको ज्वाइन किया और आपकी डाइट लेना शुरू की 2 जनवरी से। अच्छा मैंने आपको एक मैसेज भी डाला था, आपने पढ़ा भी था। अच्छा पर सर अच्छा मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे ना व्हाइट डॉट्स भी हैं अच्छा सफेद। अच्छा 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 तो मैं ना रामदेव की दवाई भी खा रही हूँ, अच्छा तो जैसे उसमें दही वगैरह है, और आप बताते हैं ना कि वो कैप्सूल्स उसके जो है फिश ऑयल के, हाँ जी हाँ जी। सर वो भी मैं नहीं ले सकती। कुछ चीजों में मुझे फाउंडेशन है, वो चीजें अच्छा मैं नहीं ले सकती। लेकिन अच्छा मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आपने जो सिलमन पाउडर वगैरह बताया है, ये सब मैं वैसे अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूँ कि वो ले रही हूँ, जो अच्छा आपने बताया वो सारी चीजें ले रही हूँ। ठीक है। पर मैं क्या और करूँ जिससे कि मुझे इजी भी रहे और दिक्कत भी ना आए। अच्छा, देखिए आप फ्लैक्सीड वगैरह ले रही हैं, मैंने बोलता ड्राई फ्रूट्स ले रही हैं, हाँ फ्लैक्सीड जी ले रही हैं, एक हाई प्रोटीन हाँ डाइट जी लेती हैं, मैंने बोलता हाई प्रोटीन डाइट लेनी है ना? तो उसमें सर मैं मॉर्निंग में उठ के ना सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, जो आपने बताया है वो मैं लेती हूँ। अच्छा उसके बाद में ओट्स बनाती हूँ, उसमें जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। उसके बाद अच्छा एक एप्पल लेती हूँ, अच्छा ठीक है। एक आपने बताया ना कि एक फ्रूट्स लेना है, तो फिर मैं एक एप्पल लेती हूँ उसमें। फिर अच्छा उसके बाद मैं ओट्स बनाती हूँ, ओट्स में जितनी भी वेजिटेबल्स मेरे पास जो घर में होती हैं वो डाल देती हूँ। ठीक है और ठीक उसी में थोड़ा एक सिलमन पाउडर की चम्मच, और वो सीड्स जो होते हैं अच्छा वो हो गया, वो मिला के वो खा लेती हूँ। अच्छा उसके बाद दिन में जैसे आपने 12 बजे का बोला कि खाना खाना है, फिर उसके बाद खाना खा लेते हैं। अच्छा फिर मैं 1 घंटे के लिए शाम को 4 से 5 वॉक करने जाती हूँ। वेरी नाइस। उसके बाद आके भूख लगती है, तो अच्छा फिर वो ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी सलाद वगैरह होती है वो सारी काट लेती हूँ। मेरी बिटिया भी अच्छा खाती है उसके साथ में। अच्छा ठीक है। तो करिए आप तो पागल हो जाओगी, साइरस के चक्कर में पागल हो जाओगी। मतलब बच्चे भी हंसी उड़ाते हैं सर मेरी, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी हंसी उड़ाने लगे, कह रहे घर की मुर्गी दाल बराबर, जब मैं बोलता हूँ तो तुम नहीं मानती, साइरस की बहुत बहुत मानती हो। का वो हमारे हीरो है, मतलब बिना पैसों के घर में बैठ के इतने लोगों का इलाज कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, मतलब इतने लोग विश करते हैं आपको देते हैं, मतलब कितनी दुआएं मिल रही है मैं बता नहीं सकती, और बहुत दिल से खुशी होती है। और सर एक्चुअल में मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो बाहर जाने में इतनी शर्म आती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप मेरी उस पे आईडी पे देखेंगे, उस पे फेस कैसा है, और आज मेरा फेस देखो कैसा हो गया। मतलब जो औरतें बोलती है ना बड़ा दुख लगता है, जैसे आपका आपने बताया ना 6 महीने आपने डाइट ली, कैसा फेस था, फिर उसके बाद में कितना चेंज आ गया। हाँ जी। तो वही चीज हम लोगों के लिए भी होती है, मतलब फीमेल के लिए थोड़ी सी ज्यादा लगती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मान सकता हूँ। है ना, तो जब लोग बताते हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा भी लगता है कि देखो हम लोग कैसे उससे, मतलब ये ऐसा रोग है जो कैंसर से भी बुरा है। हाँ मतलब फेस को छुपाना पड़ता है सर।
समझ सकते हैं। बताइए क्या मैं चेंज करूं उसमें, क्या ना करूं? अच्छा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, कितना कितना कर लेती है? सर मैं ना 1 घंटे जाती हूँ, उसमें 500 राउंड लगाती हूँ अपने। अच्छा, हमारा पार्क है यहाँ पर, 5 राउंड लगाती हूँ। उसके बाद मैं मशीन पे जो एक्सरसाइज होती है वो करती हूँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मैं अच्छे से कर रही हूँ। अच्छा, बाकी डाइट में ना आपके, जैसे आप सैलेड्स फ्रूट्स ले रही हैं, ड्राई फ्रूट्स, सिनमन हो गया, सीड्स ले रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जो है आपको मेक श्योर कि एक हाई प्रोटीन डाइट चाहिए आपको। हाई प्रोटीन डाइट जैसे आपने स्प्राउट्स ले लिया, सोया चंक्स ले लिया, दही ले लिया आपने, पनीर ले लिया, इन चीजों को थोड़ा थोड़ा। हाँ, अच्छा, दही नहीं ले सकती, मेरे को ना खट्टी चीजों के परहेज बता रखे हैं। चलिए बाकी चीजें जो बोली है मैंने वो फॉलो करें, पनीर वगैरह ले ले, वेजिटेरियन है तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। बाकी मेरा ना कल वीडियो आ रहा है, कल वीडियो शाम को 4 बजे आ रहा है, उस वीडियो मैंने डाइट को ना बड़ा डिटेल्स में बताया है, उस डाइट की पूरी साइंस को समझाया है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज मना है तो आप मत खाएं, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जो चीजें बोली हैं उसको फॉलो करें आप। ठीक है, बस आपको ये करना है। हाँ नहीं सर, जैसे आपने बताया ना, मैं अधिकतर मोस्टली वो चीज तो फॉलो करती हूँ, लेकिन जैसे दूध से बनी कोई चीज हो गई वो मैं नहीं ले सकती सर, वो मुझे मना है। पनीर हो गया वो भी नहीं ले सकती सर मैं, और दही हो गया वो भी मैं नहीं ले सकती। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं ले सकती। आप सोया मिल्क ले लें, सोया चंक्स ले लें, सोया मिल्क ले लें, स्प्राउट्स ले लें, दालें वगैरह खाए करें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाए के, इनमें प्रोटीन मिल जाएगी आपको। ड्राई फ्रूट्स, हाँ ड्राई फ्रूट्स सर मैं 1 मुट्ठी लेती हूँ। हाँ, तो उसको आप 2 मुट्ठी मतलब खा ले लेती हूँ। हाँ, एक टाइम में 1 मुट्ठी खानी है, आप 2 मुट्ठी भी खा सकती हैं अलग अलग टाइमिंग। ठीक है, बाकी कल मेरा वीडियो आएगा, उसको ना डिटेल्स अच्छे से देखना, पूरा वीडियो देखना, ताकि आपके जहन में समझ आ जाए। और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। देखो आपको 20 साल हो गए हैं इसको, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, मुझे 6 महीने लग गए थे, तो पेशेंस रखें और एंजॉय करें, डाइट को एंजॉय करें, वर्कआउट को एंजॉय करें, देखना ये 6 महीने में छुमंतर हो जाएगा आपका। ठीक है जी सर, नहीं कोशिश तो यही रहती है बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, थैंक यू। ये थी सुनीता.नागर, और चलिए अब किसी और को लाइव लेते हैं। जी हाँ जी, सबको लाइव लेने वाला हूँ मैं।